हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामने सीआईएसएफ फायर का जो वैकेंसी निकली हुई है 1149 पोस्ट है, जिसमें टोटल प्लस टू बेस पे फॉर्म भरा जा रहा है, यानी ट्वेल्थ पास, ठीक है, इंटरमीडिएट जिसको हम बोल सकते हैं कम्प्लीट। इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्म भरने के बारे में, यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है सीआईएसएफ फायर का, वो कैसे फॉर्म भरना है कम्प्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरे करेंसी में सबका स्वागत है। जैसा कि हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायर की वैकेंसी के बारे में, मैंने कंप्लीट आपको इस पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कितनी कैटेगरी कितनी है, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताई थी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और कितनी इसकी फीस लग रही थी, मैंने वो भी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट मैंने आपको बताया था, ठीक है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे आप इसको ओपन करके वहां पर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कैरे करेंसी पे पहली बार देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ठीक है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायर का जो फॉर्म भरना है आपको, ठीक है, कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मैं आपको अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे लेकर चल के फॉर्म के पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कैसे फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे क्या फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे क्या क्या डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, वो इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे सीआईएसएफ फायर का फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी 1149 पोस्ट है, पूरी जानकारी हम हिंदी में देखेंगे। कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्प्ले लेके चलता हूं। यदि उस पहले आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। हम कंप्यूटर के डिस्प्ले पे लेके चलते हैं आपको और उसमें फॉर्म भर के आपको बताएंगे कैसे सीआईएसएफ फॉर्म भरना है, ठीक है, कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, जब हम पहुंच गए अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले के ऊपर, हमने ओपन कर रखा है स्टार्टिंग से गूगल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमें टाइप करना होगा सीआईएसएफ, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, केंद्रीय, ठीक है, इस तरह की साइट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ इस पर, ठीक है। गूगल पे जैसे टाइप आप सीआईएसएफ लिखोगे, उसके बाद में आपको ये लाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है, यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे उसके बाद में आपको ओपन कर लेंगे, इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये इंटरफेस देखने के बाद में आपको क्या करना होगा, कंप्लीट यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह इंटरफेस देखने के बाद में रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर हम जाएंगे, तो गाइज आप यहां पर देख सकते हैं इसका इंटरफेस देखने के बाद में। एक और बात, यदि आपको यहां पर हिंदी में देखने को मिल रही है, तो यदि आप हिंदी में भी करना चाहते हैं ये कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शन, तो आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको हिंदी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहां पे हिंदी पे टिक जैसे करोगे आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर इस तरह से देख सकते हैं आप, चेंज हो गई है ये कम्प्लीटली इंस्ट्रक्शन, ये पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर इसका इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको। यदि आप इंग्लिश में करना चाहें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे आपको इसका नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, टोटल इंग्लिश में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस चल रही है इसकी, जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट होगा इस तरह को यहाँ पर इंटरफेस देखने को आपको मिल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको हिंदी में भर्ती और अंग्रेजी में इन इंग्लिश में रिक्रूटमेंट। जैसे आप ये रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे उस तरह के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे यानी ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर लेके जाएगा, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट, मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर के बताऊँगा। और यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद में आपको यहाँ पर एक लिंक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर रेड लाइन में यानी www.csfrecruitment.in पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप टिक करोगे यानी जैसे टिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस नई टैब ओपन हो जाएगी, ठीक है। हमारे सामने एक नई टैब ओपन होगी, आप यहाँ पे सोच रहेंगे कि फॉर्म कैसे भरोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको दबा देना होगा। यहाँ पर दबाने के बाद में इन्हें यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको ये देखने को मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यदि आप पहली बार अपना फॉर्म भरोगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना, यदि नेक्स्ट टाइम पहले भर चुके अपने फॉर्म तो लॉग इन पे करके अपना फॉर्म यानी फायर वाले यहाँ पर तो लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर हम करेंगे यानी न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे
टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा। यहाँ पर स्टेप में फर्स्ट में लिखा हुआ है आपको कंप्लीट नाम टाइप करना होगा कैपिटल अक्षरों में। ध्यान रखिए आपकी जो 10th मार्कशीट में आपका जो नाम है वही नाम यहाँ पर फिल करे कम्प्लीटली, ठीक है। मेरा नाम मान लो पूरा नाम है सुरेश कुमार, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसी स्टेप में पूरा नाम लिख दूंगा मेरा सुरेश कुमार, स्पेस देने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई भी करना होगा यही नाम इसमें टाइप करना होगा, ठीक है। सुरेश कुमार पूरा नाम, मान लो आपका जो भी नाम है वही नाम टाइप करे, ठीक है। ध्यान रखें बिल्कुल भी टीचिंग यहाँ पे देखने के बाद में यदि आपका नाम चेंज है तो यहाँ पर यस करें वरना नो रहने दें, ठीक है। उसके बाद में फादर नेम, आपका जो पिताजी का नाम है आपकी मैट्रिक मार्कशीट में 10th 12th मार्कशीट में जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर इस कॉलम में फिल करें और नेक्स्ट वाले वेरीफाई में भी वही नाम फिल करें, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में मदर नेम, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ मदर नेम भी मैट्रिक की मार्कशीट के नाम से हिसाब से ही यहाँ पर फिल कर लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि आपकी जो जन्म तारीख है जन्म आपका जो भी दिनांक है वो यहाँ पर फिल करें, अच्छे से देखकर फिल करें, ठीक है। आपको नहीं करना था तो मैं यहाँ पर जैसे टिक करूँगा आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये इंटरफेस देखने के बाद में यहाँ पर इस तरह का यानी चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी मंथ और यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है आपको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में भी वेरीफाई करना होगा, ठीक है। अब अगली स्टेप हमारी यहाँ पर देख सकते हैं मेल फीमेल सेलेक्टेड, यदि आप मेल हैं तो मेल पे सेलेक्ट करें वरना फीमेल हैं तो फीमेल वाले सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद में क्या करना होगा, ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है ये चेंज होता रहता है तो यानी ये जो कैप्चा है यहाँ पर आपको फिल करना होगा, उसके बाद में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में अगली स्टेप क्या होगी मैं आपको उसमें भी बताऊँगा, आपके आधार नंबर मेल आईडी मोबाइल नंबर वो भी फिल करना होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। ये डेमो फॉर्म भर लेता हूँ यहाँ पर, इसके बाद में फिर मैं आपको अगली स्टेप में दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने यानी पर्सनल डिटेल फिल कर दी है किसी कैंडिडेट की, अपने जो फॉर्म फिल करना है स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट मैंने नाम फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डू यू हैव आधार नंबर, यदि आपके पास आधार नंबर है तो यस करें वरना नो रहने दें, ठीक है। नहीं आपको आईडी तो लगानी होगी, ये नहीं आईडी लगा सकते तो नेक्स्ट आईडी में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी दूसरी आईडी जैसे लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आप टाइप कर सकते हैं, अपने फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अपने आधार नंबर से यानी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना होगा, मैं अपने आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ, उसके बाद में आधार नंबर की वेरीफाई भी कर दे दूँगा। उसके अगली स्टेप होगी वो यहाँ पर देख लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपको फॉर्म एससी से भरना है या एसटी से या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर आप जनरल से फॉर्म भरना है, तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा कि मान लो कि मुझे तो ओबीसी से फॉर्म भरना है तो ओबीसी सेलेक्ट करूँगा, वरना मुझे एससी का भरना है तो एससी से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मुझे ओबीसी से फिल करना है तो ओबीसी वाले सेलेक्ट ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए तो यहाँ पर नो रहने दे, ठीक है। अगली स्टेप में क्या लिख रखा है, 10th की डिटेल आपसे पूछ रखी है, आपकी जो मैट्रिक मार्कशीट है उसकी डिटेल पूछ रखी है कि आपने यहाँ पर एजुकेशन बोर्ड यानी अपने कौन से बोर्ड से पास किया है, आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करना होगा, पूरा नाम टाइप करें शॉर्टकट में ना करें, बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कि मान लो HBSC बोर्ड है आपका, RBSC बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो ध्यान रखें, ठीक है, बोर्ड का नाम टाइप करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा यहाँ पर रोल नंबर, आपकी जो मैट्रिक मार्कशीट यानी 10वीं की मार्कशीट में आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर फिल करें इस कॉलम में, फिर वेरीफाई रोल नंबर करें, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से सन में पास किया, मान लो आपने सन 2017, 2018, 2019, 2020 जिसमें भी आपने 10th पास किया है उस सन को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, उसी सन को आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। अगली स्टेप में यहाँ पर लिखा है लेवल एजुकेशन क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से लेवल का है, 10th 12th ग्रेजुएट उसी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 12th सेलेक्ट करें तो लेवल एजुकेशन के लिए तो 12th सेलेक्ट कर सकते हैं। अगली स्टेप में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यानी एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस भी फिल करना होगा, यदि आपके हाउस नंबर लिखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर हाउस नंबर टाइप कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे वार्ड नंबर, विलेज या जो वार्ड है आपका वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका जो पोस्ट ऑफिस नियर बाई पड़ता है वो पोस्ट ऑफिस लिखें। उसके बाद में अगला स्टेप है हमारा पुलिस स्टेशन, यानी आपका जो पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम लिखें, नज़दीक का पुलिस स्टेशन है, ठीक है। अगला स्टेप है हमारा स्टेट, यानी कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसी स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर टोटल स्टेट लिखे हुए हैं, इंडिया बेस की वैकेंसी है, भारत के में पूरे कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी आपने 12th पास कर रखा है और आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच में है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होगी, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होगी। आप इसमें से कोई सा भी अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट बिलोंग पड़ता है वही, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पिन कोड, आपका जो एरिया का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको पिन कोड यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है चेक दिस बॉक्स, ठीक है। यदि आप इस पर टिक करोगे तो आपका जो ये यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। उस पर टिक करने के बाद में जैसे फिल हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो स्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी है, ये डिटेल कंप्लीट भरनी होगी आपको, यानी आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिल करने होंगे, ठीक है। और या फिर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर भी करना होगा। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर अच्छे से टाइप करें, आपके मेल फ़ोन पे एसएमएस आएगा, उस एसएमएस आने के बाद में अपना फॉर्म भर पाओगे कॉन्स्टेबल फायर का, यानी उससे यदि मैसेज मेल नहीं है आपके पास तो फॉर्म भरने में बिल्कुल असमर्थ रहोगे, यानी मेल पर आपके जो आपका यूजर आईडी बनेगा वो आपके पास आ जाएगा और पासवर्ड भी आ जाएगा इसका, ठीक है। मेल आईडी भी ध्यान रखें यहाँ पर, और यहाँ पर सेम मेल आईडी फिल करें अच्छे से, बिल्कुल गलती ना करें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एग्री कर देना होगा। एग्री करने के बाद में ये जो कैप्चा है ये कैप्चा यहाँ पर हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में सबमिट कर देंगे फॉर्म को, ठीक है। सबमिट करने के बाद में आपके एसएमएस मेल आ जाएगी, वो फिल हम कर देंगे, ठीक है। उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड आने के बाद में मैं ये डिटेल कंप्लीट भरने के बाद में आपको अगले स्टेप में दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस जैसे हम सबमिट करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर लिखा है वंस फॉर्म सबमिटेड यू कैन नॉट मॉडिफाई एनी डाटा लेटर डू यू वांट टू कंटिन्यू। यदि आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दोगे तो आपका कोई भी डाटा चेंज नहीं किया जाएगा। फॉर्म को ध्यान रखें अच्छे से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं चेक करें, यानी यहाँ पर दो दो बार फॉर्म भरवा रहा है, दो दो बार डिटेल फिल करवा रहा है। जैसे आपका नाम भी दो बार टाइप करवाया, फादर नेम भी, रोल नंबर सब कुछ डबल बार फिल कर रहा है, यानी फिर भी आपने चेक नहीं किया तो फिर आपकी ही गलती मानी जाएगी फॉर्म की, बिल्कुल डिपार्टमेंट की नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके पास मैसेज आ जाएगा, मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा इसमें। जैसे हमने ओके किया उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको ग्रीटिंग, यानी यहाँ पर ग्रीटिंग लिखी मिल जाएगी और मैसेज भी आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह का मैसेज, ठीक है। तो गाइज हमारे मैसेज भी गया हुआ है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गए हैं, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है सीएसएफ ऑनलाइन का फॉर्म भरने से रिलेटेड, यानी आपकी यूजर आईडी बन चुकी है, आपके मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे आपके पास एसएमएस गया हुआ है, वो एसएमएस चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन करना नहीं होगा, ठीक है। लॉगिन कहाँ करना होगा मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है, लॉगिन करना होगा, ठीक है। जैसे हम लॉगिन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल लॉगिन न करें, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ वाले ये ऑप्शन बिल्कुल टाइप करके न करें, ठीक है। यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको एडिट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, यानी यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड फिल करके यहाँ से लॉगिन न करें। कहाँ से लॉगिन करें, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करें, ऊपर करने के बाद में करंट ओपनिंग वैकेंसी है कॉन्स्टेबल फायर, यानी सीएसएफ फायर की 2021 अनुसार वैकेंसी है, यहाँ पर आपको टाइप यानी टिक करना होगा। जैसे टिक करेंगे यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको स्पष्ट अक्षरों में कॉन्स्टेबल फायर 2021, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखने के बाद में आपको जो मैसेज गया है आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देख के इसके बाद में जो कैप्चा है यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद में सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद में लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मिस हो गया,
नहीं यार आपके पास रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, तो फिर आपको क्या करना होगा, फॉरगॉट यूजर आईडी यानी फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नया रजिस्ट्रेशन मैसेज आ चुका है, मैं इसको लॉगिन करके आपको अगले स्टेप में लेके वहाँ पर बताऊँगा उसमें क्या क्या प्रोसेस बननी होगी, फिर हम वो डिटेल भी फिल करेंगे। तो गाइस अब हमने लॉगिन भी कर दिया है, यानी यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर कॉन्स्टेबल फायर 2021 ये येलो कलर का आपको यहाँ पर साइनिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना होगा, यहाँ पर प्रेस कर देना होगा, उसके बाद में अगली स्टेप ओपन हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, यदि आपको डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पर उसके टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, यानी यहाँ पर लिखे हुए हैं डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर। एनी इंक्वायरी, कोई भी आपको हेल्पलाइन नंबर यहां पर देखना है तो यहां पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर हम कांस्टेबल फायर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में अगली स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है, यहां पर लिखा मिल जाएगा कांस्टेबल फायर 2021 एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ पर आपको टिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे उस तरह के बाद में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी होम पेज से हम पहुँच गए अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। उसके बाद में अपलोड इमेज और डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, उसके बाद में फी पेमेंट करेंगे, उसके बाद में हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसके बाद में प्रिंट निकालने के बाद में प्रिंट साइट को लॉग आउट भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ लिखा हुआ है कंप्लीट डिटेल, उसके बाद में यहाँ पर आपको एक और डिटेल देखने को मिल जाएगी, यानी स्टेट ऑफ यूट्यूब डोमिसाइल, आपने कौन से स्टेट से डोमिसाइल बना हुआ है उसी स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, यानी आपको टोटल स्टेट यहाँ पर इस तरह का देखने को मिल जाएगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करनी होगी सेकंड में, यानी ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट करें। जैसे कि मान लो आपका जो भी स्टेट है उसी को आप सेलेक्ट करें, जैसे कि मान लो मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ यहाँ पर हरियाणा स्टेट। ठीक है, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ हरियाणा का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी का उसी को सेलेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, विद साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है आपके पास 12th में, यानी 12th में आपके पास साइंस होना ज़रूरी है, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में भी वेरीफाई भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ठीक है, होने के बाद में यहाँ पर आपको क्या चूज करना होगा, आपका धर्म। ठीक है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका जो हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन कौन सा धर्म है उसी धर्म को आप सेलेक्ट करें। ठीक है, मान लो आपका जो भी धर्म है उसी को सेलेक्ट करें। उसके बाद में अगली स्टेप क्या होगी, यहाँ पर एज से रिलेटेड, यानी आपकी एज कितनी हो चुकी है, मान लो कि आपकी 18 से 23 साल के बीच में है तो बिल्कुल नो रहने दें, वरना आपकी जैसे कि मान लो 24 साल हो गई, ठीक है 25 साल हो गई या 26 साल होने में कुछ महीने हैं तो बिल्कुल ध्यान, यानी आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यस का ऑप्शन है तो यहाँ पर यस कर दें। यस करने के बाद में आपको एज में छूट दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्पष्ट अक्षरों में, इफ़ यस इंडिकेट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आपको किस में छूट लेनी है। मान लो आपको एससी में छूट लेनी है तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, एसटी में भी 5 साल की छूट मिलेगी आपको, और एक्सरी मैनेजमेंट कोटा से है वो उनके लिए अलग से एज है। ओबीसी के बारे में बात करें, यहाँ पर ओबीसी लिखा हुआ है, ओबीसी वाले को सेलेक्ट करेंगे तो 3 साल की छूट मिलेगी आपको, सिर्फ 3 ईयर के लिए। ठीक है, मान लो आपको 18 से 23 साल है तो 3 साल प्लस करके 26 साल के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की एज तो अभी लगभग बच रही है 18 से 23 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे अगली स्टेप, वेदर बिलोंग टू मिलिट्री नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी से नक्सल से हैं तो यस करें, वरना नो रहने दे। अगली स्टेट में यहाँ पर है बिलोंग टू हिल एरिया, यानी आपके पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं तो यस करें, वरना नो रहने दें। ठीक है, अगली स्टेप में है आपके पास एड्रेस डिटेल। ठीक है, इस तरह का आपको कंप्लीट आपने जो एड्रेस फिल किया था वो एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगली स्टेप में आपको क्या मिलेगा, इन सभी पे नो नो मिलेगा लिखा ऑटोमेटिकली, सभी पे टिक देखने को मिल रहा है आपको, ये सभी पे नो है। यदि आपको कोई भी
केस पेंडिंग है, FIR दर्ज है, तो यस करें, उसका बायोडाटा आपको कम्प्लीट दिखाना होगा। यहाँ पर यस करने के बाद में इस तरह का आपको कर दें, ठीक है। ESM यानी एक्सपेरिजमेंट से फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पर यस करें, ठीक है, वरना नो रहने दें। फ्रेश स्टूडेंट है तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगली बात देखने वाली, ये ध्यान रखने वाली बात तो क्या है, यहाँ पर आपको पहचान चिन्ह भरना होगा, अपना मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन की फुल फॉर्म हिंदी होती है, इसमें मतलब होता है यानी आपका जो शरीर का पहचान चिन्ह होता है, जैसे कि मान लो आपके बॉडी पे कहीं पे आपका तिल है, जैसे तिल को बोलते हैं मोल, यानी आपके कहीं पे जैसे चेहरे पे कहीं पे भी हाथ पे कहीं पे कट का निशान है तो कट का निशान भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके फेस पे कट का निशान है तो क्या लिखोगे, कट ऑन फेस, ठीक है। इस तरह मोल का निशान है तो ए मोल ऑन फेस, इस तरह से आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का इंटरफेस देखने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देख ले अच्छे से, देखने के बाद में यहाँ पर अगली स्टेप में क्या फिल करना होगा, मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है विच डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो की डेट भी टाइप करनी होगी। है मान लो आपकी जो भी फ़ोटो है उस फ़ोटो के नीचे आपको डेट लिखनी होगी, सॉरी ठीक है। यहाँ पर यस करेंगे तो डेट लिखिए, वरना नो करके आपको फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, जिस पे डेट को आप सेलेक्ट करेंगे वही डेट आपकी उस पे फ़ोटो पे होनी चाहिए। मान लो कि मैं 1 फरवरी कर देता हूँ, उसके बाद में सेलेक्ट कर देता हूँ, तो फ़ोटो के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगी, फ़ोटो डेट, डेट ऑफ फ़ोटो यानी DOP, जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं डेट ऑफ फ़ोटो। यहाँ उस वहाँ पर ये टाइप करना होगा अच्छे से, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, क्लियरली प्रिंटेड ऑन दी फोटोग्राफ, ठीक है, प्रिंट पे साफ अक्षर में दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यस करें, यहाँ पर यस करने के बाद में अगले स्टेप में यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको यस करा मिला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होगा, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, फिर हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने बाद में अगली स्टेप होगी आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड, फिर हम उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपने अपलोड भी करेंगे। जैसे हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, पार्ट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। उसके बाद में हम ओके कर देंगे यहाँ पर, जैसे ओके करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर फोटो और आपके डॉक्यूमेंट वो अपलोड आपको करना होगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्प्ले के ऊपर, यानी यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी यहाँ पर, फिर उसके बाद में अपलोड करेंगे फिर सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर चूज फाइल करेंगे फिर सिग्नेचर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैट्रिकुलेशन और 12th यानी सीनियर सेकेंडरी, आपकी जो मार्कशीट होगी वो PDF फाइल में अपलोड करनी होगी आपको, यानी यहाँ पर रेड अक्षरों में लिखा हुआ है PDF डॉक्यूमेंट ओनली, यानी PDF फाइल ही अपलोड मान्य होगी, वरना नहीं एक्सेप्टेड नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ से हम डॉक्यूमेंट अपने यहाँ से चूज फाइल करेंगे, ठीक है, यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगी, फ़ोटो, ये फ़ोटो यहाँ पर, ठीक है, जैसे करेंगे उसके बाद में सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, डन कर देंगे यहाँ से। डन करने के बाद में आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अपलोड, फिर उसके बाद में अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको, फ़ोटो अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर ओके कर देते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद में ये फ़ोटो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो, फ़ोटो के नीचे मैंने यहाँ पर डेट ऑफ फ़ोटो यहाँ पर टाइप कर दिया है 2/2/2022, जो भी आप डेट ऑफ फिल करेंगे वो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर लेके आऊँगा, ठीक है, वो यहाँ पर सिग्नेचर है, उसके बाद में डन कर दूँगा। डन करने के बाद मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है, जैसे फिर उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा, आपको मैट्रिक की मार्कशीट, ठीक है, चूज फाइल करेंगे यहाँ से। चूज फाइल करने के बाद में यहाँ पर हम फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, डॉक्यूमेंट पे टिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट फाइल लेकर जानी होगी, यहाँ पर अलग अलग फाइल है हमारी,
तो गाइज आपको यहाँ पर जो आपने डाउनलोड कर रखी है फाइल उस पर आपने जो नाम लिखा है, डिजिट डाला है, जो भी फाइल नंबर 2 तो हमारी 10th की मार्कशीट है ये, ठीक है, और एक नंबर फाइल है ये 12th की मार्कशीट है। तो हम ये इसी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखना मिल जाएगा, फिर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। जैसे हम अपलोड करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से मैसेज आ जाएगा 10th मार्कशीट अपडेट सक्सेसफुली आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर हम 12th की लेकर आएंगे, ठीक है। 12th की मैंने आपको बताया थी एक नंबर है, ठीक है, यानी हम डॉक्यूमेंट पे फिर से यहाँ पर प्रेस करेंगे, करने के बाद में ये जो एक नंबर है यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे, फिर उसके बाद में अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद में फिर यहाँ पर आपको फिर से मैसेज आ जाएगा, ठीक है, अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है, यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। यदि फिर भी आपको डाउट लगता है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया सही गलत है या जो भी है, यहाँ पर इस तरह से फोटो देख सकते हैं, उसके बाद में व्यू फाइल, ठीक है, यहाँ पर व्यू फाइल कर सकते हैं, फाइल का भी यानी डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सा आपने 10th पर अपलोड किया, कौन से में 12th, उसी को यहाँ से सेलेक्ट यानी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को डाउनलोड करना होता है। इसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, कंटिन्यू फॉर पेमेंट, यानी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, यानी आपको कंटिन्यू कर देना होगा। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे अगले स्टेप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहुँचने के बाद में इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपको, यू आर प्रोसीड टुवर्ड, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट, आपको फी पेमेंट करनी होगी, यानी 100 रुपये का चालान पेमेंट करनी होगी, ठीक है। यदि अपना फॉर्म फीमेल से फॉर्म भरेंगे या फिर SC ST एक्सरिसमैन से फॉर्म भरेंगे तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, वहां पे जैसे हमने टिक किया उसके बाद में ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली आ जाएगा फॉर्म भरने के बाद में, यानी इस कैंडिडेट की फीस हमें पे करनी होगी, ठीक है। प्रोसीड टू पे कर देंगे यहां पर हम, प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यदि आप SBI बैंक से नेट बैंकिंग लेकर योनो से अदर बैंक से नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सर्विस चार्ज भी अवेलेबल होगा, ठीक है। जो सर्विस चार्ज कटेगा वो आपके ही अकाउंट से कटेगा, ठीक है। यदि फिर आपको जीरो से भी करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में, या भी यानी बैंक चार्ज जीरो भी लिखा हुआ है, अदर बैंक डेबिट कार्ड रुपए कार्ड ओनली अलाउ होगा इसमें, ठीक है। यानी रुपए कार्ड आपके पास है तो यहाँ से फी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड में आपकी 12.98 पैसे कटेंगे, ठीक है। आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। SBI की ब्रांच कैश भी कर सकते हैं डिपॉजिट, ठीक है, जिसमें 59 आपका सर्विस चार्ज लगेगा, 100+59 यानी यहाँ पर देख सकते हैं 59 रुपये आपके एक्स्ट्रा कटेंगे, ठीक है। यानी मैं रुपए कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं रुपए कार्ड पे क्लिक करूँगा उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपका नाम भी दिखा देगा यहाँ पर, आपको रुपए भी दिखा देगा, फिर हम यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद में अगले स्टेप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यानी यहाँ पर आपको कार्ड नंबर फिल करने होंगे इस कॉलम में, आपको फिर यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपकी कार्ड की एक्सपायर डेट, मंथ, ईयर कौन सा है वो यहाँ पर फिल करना होगा, उसके बाद में आपके कार्ड में कौन सा नाम है यानी आपके अकाउंट में वो नाम यहाँ पर टाइप करें, ठीक है। CV नंबर यहाँ पर 3 डिजिट का, जो आपका ATM कार्ड का लास्ट का बैक साइड में यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको, ये जो आपको देखने मिल जाएगा इस तरह का डेमो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये CV नंबर 3 डिजिट का जो CV नंबर होता है लास्ट का वो यहाँ पर फिल करें, उसके बाद में ये जो कैप्चा है वो फिल करेंगे, यहाँ पर फिल करने के बाद में पे कर देंगे, ठीक है। मैं आपको ये फीस पेमेंट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने जैसे यहाँ पर सबमिट किया उसके बाद में रुपए कार्ड के आपने जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया हुआ है, मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP भी आ गया, मैंने OTP यहाँ पर फिल कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, इस तरह का यहाँ पर मैसेज आ जाता है आपके सामने, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये यानी एक मिनट तक आप वेट कर सकते हैं यहाँ पर, 60 सेकेंड तक, ठीक है। अलर्ट भी मैसेज आ चुका है मेरे पास, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्लिक हेयर भी करके नेक्स्ट होम ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूं यहां पर, जैसे क्लिक करूंगा उसके बाद में ऑटोमेटिकली ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएगा ये पेज, ठीक है। यानी यहां से हमारी फी पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। अब इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, कंप्लीट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचने के बाद में, ठीक है। तो गाइस जब हम पहुंच गए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रिंट कैसे निकालना होगा मैं आपको बताऊँ, लॉगिन करने के बाद में, यहाँ पर लॉगिन नहीं करना आपको इस वाले पोर्टल पे, ठीक है, यानी थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करना, ऊपर करने के बाद में यहाँ पर आपको
क्लिक करना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैंने जैसे बताया था शुरू में फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पासवर्ड आपके मोबाइल पे या फिर आपके जो जीमेल आईडी है उस पर भी एसएमएस आया होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड और ये कैप्चा, फिर उसके बाद में हम लॉगिन कर लेंगे। तो गाइस जब हमने यहाँ पर लॉगिन भी कर दिया है, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको कॉन्स्टेबल फायर वाले पे टिक कर देंगे, टिक करने के बाद में यहाँ पर लिखा मिल जाएगा आपको प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है, यानी हम प्रिंट एप्लीकेशन पे दबा देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर दबाने के बाद में यानी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंटरफेस प्रिंट और क्लोज, ठीक है, यानी प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अपना प्रिंट ले सकते हैं कम्फर्टली, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं, ये फॉर्म मैंने भर दिया है, जैसा कि इसका यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस के बाद में डिक्लेरेशन कंप्लीट पूरा फॉर्म भी भर दिया है। और इसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर इसकी फ़ी पेमेंट भी डिटेल यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है, यहाँ पर फ़ीस के बारे में भी, ठीक है, कम्प्लीटली। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं कैरेक्टर एनसीएस पे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका जो मित्र है फ्रेंड्स हैं उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि वो भी अपना फॉर्म इसी तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यदि पीसी और अपने लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये साइट आपको चलने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है थ्री डॉट वाले पे, थ्री डॉट पे आपको जाकर यानी डेस्कटॉप साइट मोड पे लेके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर थ्री डॉट वाली साइट डेस्कटॉप साइट को ओपन अनेबल कर रखा है, यानी इस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और यानी अब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है।